हेलो फ्रेंड्स, स्टार गौरव एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिजिक्स के यूनिट 9 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, आइए वीडियो को देखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए, यूनिट 9 का नाम है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, ठीक है। लगभग आपकी फिजिक्स समाप्ति होने वाली है, इसके बाद मैं केमिस्ट्री को ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद मैथ बायोलॉजी के क्वेश्चन मैं डालना स्टार्ट कर दूँगा, जो छात्र बायोलॉजी वाले हैं उनके लिए भी मैं प्रश्न डालना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो टेंशन ना लें किसी भी बात की, जो भी डाउट हो कमेंट में कहें, ठीक है। इसमें से कुल 8 नंबर के प्रश्न आएंगे, जिसमें से एक प्रश्न आएगा 5 नंबर का, 3 प्रश्न आएंगे 1 नंबर के। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि मैं टिक लगवाता हूँ और जो टिक लगवाता हूँ वह प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखा करें, ठीक है। अंक 5 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, पहला प्रश्न है एन प्रकार के अर्धचालक तथा पी प्रकार के अर्धचालकों में अंतर लिखो। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट। यह प्रश्न 2020 के एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। इस प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। दौलित्र क्या है? एनपीएन ट्रांजिस्टर की दौलित्र की भांति कार्यविधि लिखो। यह भी प्रश्न बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को भी अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है। इन दोनों प्रश्नों में से लगभग आपको एक प्रश्न मिल जाएगा पक्का, इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न लगभग आपको मिल जाएगा गारंटी के साथ, ठीक है। बस आप दोनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है अर्धतरंग दृष्टिकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर करो। नंबर ए परपथ का नामांकन चित्र, नंबर बी कार्यविधि, सी निवेशी विभव एवं निर्गत विभव का समय के साथ परिवर्तन आरेख। चौथा प्रश्न है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में पीएन संधि ऐसे होगा, ठीक है, पीएन संधि डायोड का वर्णन अग्र शीर्षों के अंतर्गत कीजिए। परपथ का नामांकित चित्र, कार्यविधि, निवेशी विभव तथा निर्गत विभव में परिवर्तन आरेख। यह प्रश्न बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, इस प्रश्न को अच्छे से कीजिएगा। पांचवा प्रश्न है एनपीएन ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक विद्या में प्रवर्धक के रूप में वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर करो। परपथ का नामांकित चित्र, कार्यविधि, वोल्टेज लाभ, धारा लाभ तथा शक्ति लाभ, ठीक है, इनकी परिभाषा देनी है। और क्वेश्चन छठवा है मुख्य लॉजिक गेट्स कितने प्रकार के होते हैं, इनके संकेत व सत्ता सारणी बनाइए, ठीक है। इसमें मैंने आपको 3 प्रश्न टिक लगवाए हैं, एक तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, दौलित्र क्या है और एन प्रकार पी प्रकार, इन तीनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, एक प्रश्न आपको मिल जाएगा, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।